जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर हमारे एक्स सर्विसमैन भाइयों ने RPF की जो वैकेंसीज निकली थी इस समय कांस्टेबल और SI यानी कि सब इंस्पेक्टर की, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके फ़ोटो और जो सिग्नेचर हैं उन्होंने जब फॉर्म भरते समय अपलोड किए थे वो मिसमैच हो रहे हैं, ठीक है, तो उनके फॉर्म जो है वो रद्द किए जा सकते हैं। तो आपका फॉर्म रद्द ना हो इससे बचने के लिए आपके लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने 2 दिन का टाइम दिया है, जो कि है 15 से 17, यानी कि 3 दिन का टाइम है, 15, 16 और 17। 3 दिन में दोस्तों आपके लिए अपने फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए दोबारा से अपलोड करना है। अब आपको दोस्तों पता कैसे चलेगा कि आपके मिसमैच हो रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए दोस्तों 15 तारीख से पहले आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपके लिए ईमेल या फिर मोबाइल नंबर पे आपके SMS आपको प्राप्त हो जाएगा कि आपका जो फॉर्म है उसमें त्रुटि पाई गई है और आपके लिए फ़ोटो या फिर सिग्नेचर या फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों ही RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर फिर से अपलोड करने हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी चीज़ के लिए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर वो नोटिस भी दिखाऊंगा जो कि रेलवे की भर्ती बोर्ड यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, ये जो कांस्टेबल है और सब इंस्पेक्टर है, ये जो भर्ती निकली थी वो 2024 में, ठीक है, इसके मई के महीने में फॉर्म भरे गए थे। तो हमारे एक्स सर्विसमैन भाई काफ़ी ऐसे हैं जो कि काफ़ी सारे कामों में बिजी रहते हैं जिसकी वजह से उनके लिए पता नहीं चल पाता है और उनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों आपका भाई यहाँ पर बैठा हुआ है कि आपके लिए छोटी से छोटी जो इन्फॉर्मेशन है किसी भी भर्ती से रिलेटेड वो अपने YouTube चैनल पर आपको मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं वो नोटिस जो कि RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से ये नोटिस उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, जिसमें दोस्तों बताया गया है कि जो कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया, आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, कि आपके जो फोटोज़ हैं और आपका जो सिग्नेचर है उनके लिए आपको क्या है, अगर उनमें कुछ त्रुटि पाई गई तो आपको दोबारा से SMS या फिर ईमेल भेजकर आपके लिए सूचित किया जाएगा, जिसके लिए दोस्तों आपको फिर से अपलोड करना होगा। ये नोटिस आप पढ़ सकते हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस नोटिस को दे दूंगा। और जैसे कि मैंने बताया कि 15 से 17 जून के बीच में ये लिंक जो है वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, ठीक है। ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल यानी कि यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे और आप अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। लेकिन केवल उनके लिए ही करना है दोस्तों, जिनके लिए रेलवे की तरफ से SMS या फिर ईमेल भेजा जाएगा। तो कंटिन्यूसली अपना ईमेल और SMS को चेक करते रहिए। अगर आपको भी इसी तरह का ईमेल मिलता है RRB की तरफ से, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर अपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं और अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बच सकते हैं। चाहे आपने RPF कॉन्स्टेबल या फिर उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया हो, दोनों ही कंडीशन में आपके लिए नोटिस लागू है और आपके लिए SMS अगर मिलता है तो आपको सिग्नेचर और फोटो को फिर से अपलोड करना पड़ सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।